क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा आव्यूह, उसके क्वेश्चन नंबर 11 के ए पार्ट में आ रहे हैं हम। यदि एक्स वाई की मैट्रिक्स दिया हुआ है इज इक्वल टू 3 4 2 3, एक मैट्रिक्स ये है, 4 2 एक मैट्रिक्स ये है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि आप पे आव्यूह की गुणा करने का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है नहीं। इस अगर किसी का मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन। एक्स वाई एज इट इज इनकी मल्टीप्लाई कर लिया तो मल्टीप्लाई जो होगी वो ऐसे होगी, देखिए इधर 3 4 इस तरह से होगी, तो 3 की मल्टीप्लाई 4 में, 3 × 4 बीच में आएगा प्लस, फिर 4 की मल्टीप्लाई 2 में, पहली रो हमारी कंप्लीट होगी। अब सेकंड रो लेंगे 2 की मल्टीप्लाई 4 में, फिर प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2 में, तो ये आ गया आपका 20। ये सोल्व हो जाएगा 14, तुलना करने पर x बराबर 20 y बराबर 14। ये क्वेश्चन कंप्लीट। 12 का बी पार्ट, यदि a इक्वल टू इतना है a 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने a पहले a से a स्क्वायर निकालना, हमने a इंटू a कर दिया, तो a मैट्रिक्स की a मैट्रिक्स में हमने इंटू कर दी, तो वही इंटू का फार्मूला, फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम लेंगे, 0 की 0 में 0 आ गई, 1 की 1 में 1 आएगी, ऐसे ही फिर फर्स्ट रो की 0 की 1 में, सेकंड कॉलम में करेंगे इंटू, फिर 1 की 0 में, ऐसे ही नीचे 1 की इसमें करेंगे, इसमें करेंगे 0 में, फिर 0 की 1 में, ये आगे हमारी बीच में प्लस होता रहेगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करके आपको ये आगे ए स्क्वायर। अब हमें हम निकाल लेंगे ए क्यूब, ए क्यूब को निकालेंगे ए स्क्वायर इंटू ए, ए स्क्वायर की वैल्यू बढ़ सकती 1 0 0 1 0 1 1 0, जो ए की वैल्यू ये भी रहना है क्वेश्चन में दे रखी, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सोल्व करते ही आ जाएगा ए पावर 3। फिर हम निकाल लेंगे ए 4, ए 4 कैसे निकाल लेंगे, ए 3 की मल्टीप्लाई ए में करेंगे, तो ए 3 को भी गायब हो गया और ए हमारे क्वेश्चन में गिर रहा है, इनकी फिर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करने पर क्या आ जाएगा, ए 4 की वैल्यू ये आ जाएगी। बिल्कुल इस तरह का एक क्वेश्चन आपको करना बिल्कुल सेम है, इसमें सोल्व करते करते ए क्यूब का सोल्व करें, ए क्यूब का जो आंसर आएगा वो 4a के बराबर होना चाहिए, 4a का मतलब a के सारे एलिमेंट में जो a के एलिमेंट है इन सब में 4 की इंटू हो जाएगी, यहाँ आएगा 4 या माइनस 4 या माइनस 4 या 4, तो ये वैल्यू होगी 4a की, तो a क्यूब की वैल्यू भी यही आनी चाहिए, 4 माइनस 4 माइनस 4 और प्लस 4, दैट्स ऑल। अपने मोबाइल को अपनी आंख से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखेंगे। थैंक यू।